lecture we will discuss greatest common divisor if a number divides if a number d divides two numbers a and b and is divisible by all the common divisors of a and b then d is called the greatest common divisor of a and b and is denoted by this like we can write like this a comma b is equal to d it means that d is a common divisor of a and b okay for example in this example we can see 8 and 24 gcd of 8 and 24 is 8 and it is written as like this 8 divides 24 8 divides 8 so 8 is a common divisor of 8 and 24 okay it can be easily written like this so we can easily find greatest common divisor and we all know how to write greatest common divisor now we will move to this particular note we will discuss वो क्या कह रहा है ए कॉम बी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ बी इफ ए डिवाइड्स इज़ अ डिवाइजर ऑफ बी इफ ए डिवाइड्स बी देन ए बी इज इक्वल ए बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो ए है ठीक है वो क्या कह रहा है अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है देन ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है ए नाउ यू विल सी लीस्ड कॉमन मल्टीपल क्या होता है ए नंबर एम इज़ कॉल्ड लीज कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इफ ए बाई एम एंड बी बाई एम ठीक है मीन्स ए डिवाइड्ज एम एंड बी डिवाइड्स एम देन एम इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी सिमिलरली इन दिस केस ए डिवाइड सी बी डिवाइड सी देन वी कैन से दैट सी इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ़ ए एंड बी ठीक है

ये जो हमने डिनोट किया है इट इज द नोटेशन ऑफ जी सी डी ठीक है तो जी सी डी की नोटेशन है और ये किसकी नोटेशन है जी सी डी ऑफ बी एंड आर क्लियर है तो जी सी डी ऑफ ए एंड बी इज सेम एज दी सी डी ऑफ बी एंड आर ठीक है इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन से सो so, वही यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है वेयर आर क्या है आर इज़ द रिमाइंडर ऑबटेन्ड ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी ए को जब आप बी से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा दैट इज़ योर आर ठीक है लेट ए बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो है डी वन एंड बी आर का जो कॉमन डिवाइजर है दैट इज़ डी टू ना सिंस ए बी इज इक्वल टू डी वन देयर फोर डी वन डिवाइड्स एबवियसली क्योंकि ए बी का जी सी डी क्या है डी वन है मतलब ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ए और बी का सो so, हम ये कह सकते हैं कि डी वन डिवाइड्स ए एंड डी वन डिवाइड बी ना वी विल मूव टू दिस स्लाइड आर्टिकल फ़ोर पॉइंट फोर में एक थ्योरम है हमारे पास आप वहाँ रेफर करेंगे तो हम वहाँ से लिख सकते हैं ओके लेट्स गो टू दैट थ्योरम ठीक है पहले हम वो थ्योरम डिस्कस करते हैं उसके बाद हम वापस इस स्लाइड पे आएंगे डिविजिबिलिटी थ्योरम है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी आर्टिकल फोर पॉइंट फोर में जस्ट अंड थोरम फोर ऑफ आर्टिकल फोर पॉइंट फोर दिस इज द थ्योरम आई आई एम टॉकिंग अबाउट इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड सी देन ए डिवाइड बाई बी एक्स प्लस सी वाई फॉर ऑल इंटीरियर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ये हमने पहले भी प्रूव किया था तो इसी थ्योरम से अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को भी डिवाइड कर रहा है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई बी एक्स प्लस सी वाई फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सिंस ए डिवाइड्स बी देर फॉर देर एग्जिस्ट एन इंटीजर के वन सच दैट वी कैन राइट लाइक दिस ठीक है अगेन सिंस ए डिवाइड सी देर फॉर देर एग्जिस्ट एन इंटीजर के टू So we can write like this according to this theorem. theorem related so you have to remember all these results. In the previous lecture, I have already discussed about the principle of mathematical induction and these theorems of divisibility, but here I am again telling you these are some important results of divisibility theorems you have to remember. So here, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को भी डिवाइड कर रहा है तब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है एक्स और वाई की हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या होगा ये रिज़ल्ट ट्रू होगा सो so, हमने इन दोनों इक्वेशन को यहाँ से उठाया है तो हम कैसे लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी वाई हमें प्रूव करना है तो हम बी एक्स प्लस सी वाई कैसे लिखेंगे बी और सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट की है ए के वन और ए के टू So bx plus cy is equal to this, where we have determined that k is this. So by the definition of divisibility, if a divides b and a divides c we can write like this. Okay? Now we will move to next slide. Here If d one divides a and d one divides b, so we can write like this. Just a minute. Let me choose the pointer here. If d d one is the common uh, greatest common divisor of a and b, so d one divides a and d one divides b, so we can write like this. d one divides a minus q b, where a minus q b is what? A minus q b is the remainder. So now. डी वन डिवाइड्स बी एंड डी वन डिवाइड्स आर ये हमारे पास डी वन की वैली यहाँ है ठीक है सो डी वन डिवाइड्स बी एंड डी वन डिवाइड्स आर यहाँ से है डी वन इज़ द कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड आर सो डी वन मस्ट बी मस्ट डिवाइड डी टू हम और डी टू मस्ट डिवाइड डी वन सो डी वन और डी टू में कोई डिफरेंस ही नहीं है ठीक है हम क्या प्रूफ लेके चले थे कि जो हमारा ए बी है हमें ये प्रूव करना है ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है सो हेयर आई हैव प्रूव दैट दीज टू डिफरेंट कॉमन डिवाइजर्स डी वन एंड डी टू डी वन इज दैट विच डिवाइड ए एंड बी एंड डी टू इज़ वॉट विच डिवाइड्स बी एंड आर दीज बोथ आर इक्वल सो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज सो वी कैन ईजिली प्रूव इफ ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर देन ए बी इज इक्वल टू बी आर clear so these are some important theorems related to gcd and lcm now here i am giving you one assignment you have to prove or try practicing this theorem if you have any kind of doubts we will discuss in the next uh, lecture now आई विल मूव टू गोस्थ्योरम हेयर गोस्थ्योरम इफ ए डिवाइड्स बी एंड सी मतलब ए बी और सी को डिवाइड करता है एंड ए बी इज इक्वल टू वन अगर ए बी और सी को डिवाइड कर रहा है और ए और बी का कॉमन डिवाइजर वन है मतलब ए और बी को वन के अलावा कोई और चीज़ नहीं डिवाइड कर रही तो हम क्या कहेंगे कि ए डिवाइड्स सी ये हमें प्रूव करना है दिस इज द गोस थ्योरम एंड इट इज द इम्पोर्टेंट वन सिंस ए बी इज इक्वल टू वन वी कैन फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वन क्लियर है ये हमने लास्ट थ्योरम में भी प्रूव किया था क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई वहाँ ऑप्टेन किया था तो हम यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं इससे पहले वाली जो अभी हमने डिजिबिलिटी की थ्योरम डिस्कस की थी इफ़ यू मल्टीप्लाई सी ऑन बोथ साइड ठीक है हमने सी को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया नाउ सिंस ए डिवाइड्स बी सी ए अगर बी और सी को डिवाइड कर रहा है तो देयर मस्ट बी एन इंटीजर अ डी सच दैट बी सी इज इक्वल टू ए डी ये भी हमने रिजल्ट अभी डिविजिबिलिटी थ्योरम में देखा है वहीं से हम ये रिजल्ट्स कैप्चर कर रहे हैं और यहाँ पे पुट कर रहे हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए डी इन इक्वेशन फर्स्ट दिस वन ठीक है बी सी की वैल्यू ए डी इक्वल आई कैसे इस रिजल्ट से नाउ सिंस ए डिवाइड्स बी सी जब ए बी सी को डिवाइड कर रहा है तो देर मस्ट बी एन इंटीजर डी कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं मीन्स अब आप, मैं आपको फिर से बता देती हूँ रिजल्ट कैसे आया है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है सी तो अभी डिजिबिलिटी थ्योरम में हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी कि इफ़ सी इज़ ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी के क्लियर है तो यहाँ पे भी वही चीज़ है इफ़ नाउ सिंस ए डिवाइड बी सी सो देयर एग्जिस्ट एन इन टीजर सच दैट बी सी इज इक्वल टू ए डी क्लियर है नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए डी इन फर्स्ट इक्वेशन यहाँ वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास रिजल्ट आया ये सो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी वी कैन से दैट ए डिवाइड्स सी क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है सी इज़ ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड सी एक्स प्लस डी